हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैनल 1K सब्सक्राइबर्स पहुंच चुका है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। दिस मींस अ लॉट टू मी। इट विल कीप इनकरेजिंग मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के साथ। होपफुली हम धीरे धीरे और ग्रो करेंगे एंड इकट्ठे हम फ्यूचर में और माइलस्टोन्स भी अचीव करेंगे। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं कंटेंट बनाता हूँ लाइफ इन कैनेडा के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन नए इमिग्रेंट्स को जो कि कैनेडा आने का प्लान कर रहे हैं या फिर कैनेडा आ चुके हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन हेल्प कर पाए, वो मैं वीकली आपके साथ कंटेंट शेयर करने की कोशिश करता हूं। सो गाइस, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहली चीज जो हर किसी के दिमाग में आती है जब भी वो बाहर कनाडा या कोई भी अब्रॉड कंट्री मूव होने का प्लान करते हैं, वो है जॉब। कि वहां जाएंगे तो हमारी इनकम कैसे होगी, हम कैसे वहां पे मैनेज करेंगे, क्या वहां पे जॉब मार्केट है, क्या वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर है और क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कि जो हमारी जॉब बैक होम है क्या उसी लेवल की जॉब हमें मिल पाएगी या फिर नहीं। आई अंडरस्टैंड बींग अ न्यू इमिग्रेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड अ जॉब। कई लोग ऐसा टारगेट रखते हैं कि 6 महीने देखेंगे कैनेडा आके या फिर 1 साल देखेंगे, अगर जॉब नहीं लगती है देन दे विल रिटर्न बैक होम। बट देखिए, यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, आपने बहुतों से सुना होगा, बट लाइफ तब अच्छी है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, तो आपके पास पैसा हो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, उसके बाद लाइफ अच्छी होती है। मैं आपसे एक टूल शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक आपको अच्छी पिक्चर बना देगा आपके दिमाग में कि अगर आप बैक होम से कैनेडा आते हैं तो जो जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि आप अपनी करंट जॉब के साथ कंपेयर कर पाएं, उसके बाद उसकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी और किस किस स्टेट में या किस किस प्रोविंस में उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ये चीज इसलिए आपके लिए बढ़िया है क्योंकि अगर आप अभी बैक होम कोई जॉब कर रहे हैं, कई बार जरूरी नहीं होता कि वो जो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे हैं वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जॉब आपको कैनेडा में मिलेगी। सो ये टूल आपकी वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर सकता है कि जो आप अभी काम कर रहे हैं उस काम में एडिशनल आपको अपने आप को किस और तरीके से तैयार करना है कैनेडा में जाके जॉब अप्लाई करने के लिए। सो इस टूल को कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। दिस इज अवेलेबल ऑन द जॉब बैंक्स वेबसाइट। जॉब बैंक्स वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की एक वेबसाइट है जो वो प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप जॉब्स देख सकते हैं, जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गो टू द जॉब बैंक्स वेबसाइट एंड वहां पे ट्रेंड एनालिसिस एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे मैं पूरा आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। तो अभी आप देख सकते हैं ये है जॉब बैंक्स की वेबसाइट। मैं नीचे देखता रहूंगा क्योंकि लैपटॉप पे मैंने अपनी लैप पे रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जॉब बैंक्स की वेबसाइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप ऑक्यूपेशन जो भी जॉब है, डेस्टिनेशन लाइक कस्टमर सर्विस एजेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी आप जॉब से अगर ऑक्यूपेशन से करना चाहते हैं एक्सप्लोर, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वेजेस मतलब सैलरी, अगर आप सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि किस जगह ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज हैं उस स्पेसिफिक जॉब की, आप उसके हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा भी ऑक्यूपेशन जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कस्टमर सर्विस एजेंट, तो देखिए वो यहाँ पे बड़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जो भी जॉब्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अभी आप एक काम करते हैं, हम देखते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। चलिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं एंड इसमें देखते हैं कोई भी, चलिए प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन, ये जॉब हम चेकआउट करते हैं। एंड लोकेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक सिटी या फिर प्रोविंस। चलिए अभी हम ऑन्टारियो इसमें सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम पूरी प्रोविंस ऑफ ऑन्टारियो वहां पे चेकआउट कर रहे हैं। लेट्स क्लिक ऑन सर्च। उस जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब की कंस्ट्रक्शन फील्ड में विद इन कैनेडा। तो यहाँ पे आप देखें जो NOC है वो भी स्पेसिफाइड होता है। अगर आपको चेक करना है, अगर आप स्किल कैटेगरी में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप NOC भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टैब्स आर अवेलेबल जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेकआउट कर सकते हैं। पहले टैब पे क्लिक करते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स यहाँ पे होते हैं उनकी जॉब में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ड्यूटीज हैं। तो अभी आप अगर सिमिलर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन फील्ड की जॉब में हैं बैक होम, तो आप ये रेफर करके कंपेयर कर सकते हैं कि ऑलरेडी आप क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो आपको एक आइडिया दे देता है कि अगर आप कैनेडा आएंगे तो किस तरह की जॉब के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो जो जो जॉब टाइटल्स और भी हैं इस प्रोफाइल को और किन किन जॉब टाइटल से रेफर किया जाता है, तो ये सारे डिफरेंट जॉब टाइटल्स हैं। उसके बाद अब क्लिक करते हैं वेजेस पे जो कि है सैलरी।
तो अगर सैलरी की बात करें आप यहाँ पे देखें, अगर कनाडा में देखें तो जो लोवेस्ट इसमें टिपिकली पर आवर जो सैलरी होती है वो होती है $24.04। जो मीडियन माने कि जो एवरेज है वो है अराउंड $40.87 और जो हाई जा सकती है वो है अराउंड $63.46। अब ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे और ऑल्सो उस एम्प्लॉयर पे जो आपको हायर कर रहे हैं कि उस जॉब के लिए वो कितना ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अल्बर्टा डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया, अगर आप किसी प्रोविंस पे स्पेसिफिक प्रोविंस पे इंटरेस्टेड हैं तो आप उनकी भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि वहां पे क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर है और सैलरी रेंजेस हैं। उसके बाद थर्ड टैब पे जाते हैं विच इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट्स। तो जो प्रोस्पेक्ट्स है ये आपको बताता है कि विद इन कैनेडा कौन सी प्रोविंस में क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर में इस प्रोफाइल के लिए। तो आप कोई भी प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन, आईटी, कंसल्टिंग, कुछ भी, अकाउंटेंसी, कोई भी प्रोफाइल आप जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस जॉब प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्या यहाँ पे है कि फेयर है। जैसे अगर हम ओंटारियो को देखें तो यहाँ पे गुड है। ये डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब मार्केट, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस प्रोविंस की, और काफी और फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोविंसेस में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। उसके बाद जाते हैं हम जॉब स्टैप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा में, क्यूबेक में, कंट्री में ऑन द होल और बाकी प्रोविंसेस में कितनी कितनी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं इस स्पेसिफिक जॉब की। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैं नए टैब पे खोलता हूँ, व्यू जॉब पोस्टिंग्स को, यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको सॉरी जॉब्स मिल जाएंगी जो जो प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन फील्ड में कनाडा में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस जॉब को हम देखें तो कैलगरी में जॉब लोकेटेड है एंड ये $50,000 से $80,000 पर ईयर इनकी सैलरी रेंज है। तो यहाँ पे आप सारी जॉब्स चेकआउट कर सकते हैं एंड आप उनकी सैलरी रेंज भी देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि जो आप अभी काम कर रहे हैं वो आपको प्रोफाइल कौन सी मैच करती है एंड जिस प्रोविंस में आप आना चाहते हैं कनाडा में वहां पे आपको कितने सैलरी की रेंज आपको मिल सकती है और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस आप कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आप जॉब को खोलें, यहाँ पे आप जो भी जॉब पोस्टिंग है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, एजुकेशन की, स्पेसिफिक स्किल्स जो इन्हें चाहिए हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो टू एड, जैसे यहाँ पे कई जॉब्स में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए कनाडा में काम करने का, अदरवाइज ये जो एम्प्लॉयर है ये आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। लेट्स गो बैक टू द मेन स्क्रीन एंड यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। जो एकेडमिक्स का रिक्वायरमेंट्स हैं ये जैसे यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, टिपिकली जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस चाहिए कि कोई ब्रिजिंग कोर्सेज होते हैं तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा यहाँ पे। अगर अल्बर्टा में आपको जॉब करनी है तो आपको इस रेगुलेटरी बॉडी को आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, क्यूबेक के लिए भी रिस्पेक्टिव जो भी सर्टिफिकेशन है वो आपको चाहिए होगी। लास्ट स्टेप है स्किल्स, जहां पे किसी भी जॉब प्रोफाइल को जिसको आप चेकआउट कर रहे हैं आप उसकी एक्सपर्टीज या फिर स्किल्स जो जो भी एम्प्लॉयर्स डिमांड करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप ये देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि अभी जो आप कर रहे हैं क्या ये सारी स्किल्स आपके पास हैं। तो अगर है आपके पास वो सारी स्किल्स तो कनाडा आके आप देखिए तो इन प्रोफाइल्स के लिए आप सुटेबल कैंडिडेट बन सकते हैं। बाकी सब आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। वंस यू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर द जॉब इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसके बाद आपका इंटरव्यू कैसे जाता है एंड जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसमें आप फिट बैठते हैं या नहीं वो सब उस पर डिपेंड करता है। बट ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देता है कि अगर आप कनाडा आएंगे तो आप किस तरह की जॉब आप कर सकते हैं और क्या उसका सैलरी स्ट्रक्चर हो सकता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी इसमें चेकआउट कर सकें एंड जो भी डिफरेंट जॉब आप चेकआउट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यही कुछ पॉइंट्स हैं जॉब बैंक्स के ट्रेंड एनालिसिस के जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। प्लीज अपने जानने वालों से भी ये शेयर करें जो भी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का। तो अगेन मैंने अपना काम कर दिया है, मैं आपको अगेन रिमाइंड करा रहा हूं आपका काम विच इज गिव मी अ थम्स अप, लीव अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।